हेलो दोस्तों, काफी व्यूअर्स का एक सवाल होता है कि फ्लावरों का बेस्ट फूड कौन सा होता है, कौन सा फूड खिलाने से फ्लावर का अच्छा कलर रहेगा, फ्लावरों फिश ज़्यादा एक्टिव रहेगी, बीमार नहीं होगी, ग्रोथ अच्छा रहेगा। सारी सारी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का फूड आप लेते हो, उसका फिर कंपेरिजन करते हो कि कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड नहीं है सही। तो फ्लावरों फिश के लिए काफ़ी फूड जिसमें हाईली प्रोटीन कंटेंट रहता है वो सही होता है, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, वेल मेंटेन फूड का आपको टाइट रखना है जब भी खिला यूज़ करने के बाद। और दूसरा, फ्लावरों फिश का ग्रोथ और कलर एनहांसिंग सिर्फ फूड पे डिपेंड नहीं करता, वाटर क्वालिटी पे, वाटर टेम्परेचर पे, आप कितने टाइम पे साइफनिंग करते हो, कैसे फिल्ट्रेशन यूज़ करते हो, कैसा एटमॉस्फेयर में फिश को रखा है, वो भी मायने करती है। और हाँ, फूड में एक ही फूड आपको कंटिन्यूसली नहीं खिलाना है, फूड चेंज करते रहना है, टेस्ट वाइज भी डिफरेंट रहेगा फिश के लिए और कंटेंट प्रोटीन विटामिन के वाइज भी डिफरेंट रहेगा। तो आपको एक ना फीड है वो दोबारा नहीं करवाना है, हर मंथ जब भी आप नया फूड बाय करते हो तो चेंज कर देना है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से टॉप 15 फूड आते हैं जो आप रेगुलर यूज में यूज कर सकते हो। ये कुछ टिन में अवेलेबल फ्लावर एंड फिश फूड है जिसमें श्रिम्प है, एवर रेड है 100 का, हम्पी हेड है, सुपर रेड है 100 की प्रोडक्ट है, फिर चैंपियन का फ्लावर ऑन फूड है, ग्रीन 11 का भी चिकलेट का है, फिर लार्वा है। ये सब हाईली प्रोटीन कंटेंट फिश फूड है, फ्लावर ऑन को कलर और ग्रोथ एनहांस के लिए अच्छे रहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कुछ पाउच में 100 ग्राम्स में अवेलेबल है, चिकलेट का, ऑप्टिमम का, अम्बर का, ओकिको की प्रोडक्ट पूरी रेंज है, फिर ये टस्कर का है। ये टस्कर का फूड गार्लिक बेस होता है जो स्टमक इश्यू होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बेनिफिट देता है। ये फल एड और फ्लावर डेवलप करने के लिए अच्छा रहता है, कलर एनहांसिंग फूड रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अल्टीमेटली ये सारे फूड अल्टीमेटली आप देख रहे हो ये दोनों फ्लावर होने हाईली एक्टिव फिश है, कलर एनहांसिंग फिश है। अगर आपको इस तरह से फिश को एक्टिव और अच्छा कलर रखना है तो फिश का टैंक, फिश का फिल्टरेशन, ऑक्सीजन और टाइम टू फीड वो सब वेल मेंटेन रखना है तो फिश अच्छी तरह से रहेगी, अच्छा कलर रहेगा, ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, फिश की लाइफ भी अच्छी है। बहुत प्यारी फिश है, गुड लक फिश है, तो आप रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डिजीज़ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।